Jungle. खबर है सिंगरौली से, जहां जिले की संशोधित लॉकडाउन के दौरान खुलने वाली दुकानों की सीमा समय परिवर्तन किया गया है, जिसका आदेश सिंगरौली कलेक्टर KVS चौधरी ने जारी कर दिया है। अब जिले में खुलने वाली दुकानों का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक कर दिया गया है। साथ ही मंगलवार और शुक्रवार को पूर्णतः बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। कलेक्टर ने सभी लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा है कि 3 मई तक जिले के सभी दुकानदार लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करेंगे और काला बाजारी कदापि ना करें, अन्यथा दंड के पात्र होंगे। 20 अप्रैल 2020 से लॉकडाउन आदेश में कुछ संशोधन किए गए। कल जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई थी, जिसमें सांसद महोदय, अन्य विधायकगण उपस्थित थे। उनके सुझावों को इनकॉर्पोरेट करते हुए इतना मैंने बदलाव किया गया कि आवश्यक वस्तुओं की दुकान, जैसे किराना दुकान है, सब्जी का दुकान है, ये सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक खुले रहेंगे। मंगलवार और शुक्रवार पूरा का पूरा बंद रहेगा, कोई दुकान नहीं खुले रहेंगे। इनके अलावा अन्य कोई भी दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी गई। इतना बदलाव है केवल कि ग्रामीण एरिया में मजदूरों की रोजगार के दृष्टिकोण से नरेगा में काम करने का अनुमति दिया गया है। PDS दुकान बनाने का काम है, या आंगनबाड़ी निर्माण है, किचन शेड निर्माण है, पंचायत भवन निर्माण है, इस प्रकार के निर्माण कार्यों को अनुमति दिया गया है। और नगर निगम क्षेत्र में केवल जो लेबर ऑलरेडी यहीं पर है, नगर निगम के ठेकेदार जो ऑलरेडी काम पुराना काम कर रहे थे, उनके द्वारा काम करने की अनुमति दिया गया है। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।